सुरक्षा के मद्देनजर बुधवार को एसपी व सीओ कैंट रोहन प्रमोद बोत्रे ने दीवानी कचहरी स्थित बंदी बैरक तथा रोडवेज बस स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। दीवानी न्यायालय स्थित बंदी बैरक में सीओ कैंट रोहन प्रमोद बोत्रे ने कैदियों की पड़ताल की तथा वहां लगाए गए सीसीटीवी कैमरे सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके पश्चात एएसपी रोहन प्रमोद बोत्रे रोडवेज बस स्टेशन पहुंचे और वहां स्टेशन पर सुरक्षा की तैयारियों के मद्देनजर की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि बकरीद और अन्य त्योहारों को देखते हुए कई स्थानों पर चेकिंग की जा रही है, जिससे कोई अव्यवस्था न फैलने पाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एएसपी व सीओ कैंट रोहन प्रमोद बोत्रे ने बताया। अंदर ये ऑफिस इधर यहाँ से कहाँ ठीक है वो पहचाने नहीं है। रोडवेज का ये चेकिंग अभियान यहाँ पे किया गया था। एसएचओ कैंट और मैं फोर्स के साथ ये अभियान किया गया था, डॉग स्क्वाड के साथ। संदिग्ध कोई भी चीज़ लावारिस पड़ी हुई हो उसका सारा चेकिंग यहाँ पे किया गया था। ये जो चेकिंग है ये बकरी ईद और 15 अगस्त को मद्देनजर रखते हुए की गई है। नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। पॉकेट में ब्लेड कोई भी चीज़ हो, कोई चीज़ कैरी नहीं कराएंगे। नियम है हमारा तो नियम का पूरा पालन किया जाता है। पीछे की हर कोने में ड्यूटी लगा हुआ। अरे कौन सा भाई एक तरफ खड़े हो जाओ ताकि घर बुलाया जाएगा, सब लोग उधर एक साइड हो जाओ, एक तरफ हो जाओ। दरवाजा बंद करिए, दरवाजा बंद करिए। ऊपर भी चेकिंग करा लो, गिन लो फिजिकली चेकिंग अभी चलते सर, अभी हो जाते हैं। एक अभी आया है, एक लेटर हमको बनाते हैं जो बाथरूम उसका टैंक फुल है ना, नगर निगम से करवा लेटर बना गाड़ी आएंगे। ये तो पीछे वाला है सर, आप उधर से
आज सेशन हवालात की सुरक्षा व्यवस्था की चेकिंग की गई और डॉग स्क्वाड के साथ सारी टीम का थाना कैंट की पुलिस के साथ ये चेकिंग की गई थी। मेनली तो सेशन हवालात के सारे एग्जिट्स कैमराज सीसीटीवी कैमराज वगैरह जो भी है उनकी चेकिंग की गई थी और सेशन हवालात में आए हुए जो कैदी है उनकी भी चेकिंग की गई थी कि उनके पास कोई संदिग्ध वस्तु कुछ ऐसी वस्तु ना मिले कि जिससे उनको कहीं भागने का इसमें इस प्रकार का कोई लाभ मिले।